टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स अराउंड 14,000 रुपीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 4G से 5G पर अपग्रेड करना चाहते हैं और आपको ऐसे स्मार्टफोन की तलाश है जहां पर आपको सारी ही रिक्वायरमेंट्स आपके हिसाब से मिले, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आ चुके हैं कुछ ऐसे ही कमाल के स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहेगा। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आईकू का Z6 Lite। ये फोन भी आपको डिजाइन के मामले में काफी अच्छा मिल जाता है, हालांकि प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है तो बिल्ड क्वालिटी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.58 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली IPS LCD पैनल, 500 नीट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है, हालांकि वाटर ड्रॉप नॉच आपको यहाँ पर मिलता है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं दो कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर दिया गया। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है, लेकिन इमेज आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते गाइस। तो ये स्मार्टफोन आपको मिलता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 चिपसेट के साथ में, और दोस्तों ये चिपसेट बना हुआ है 6nm की फैब्रिकेशन पर। साथ ही फोन के अंदर आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा लिक्विड कूलिंग चैम्बर भी मिल जाता है। रही बात ऑन द टू गाइस, तो ये स्मार्टफोन 3,85,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि यार बजट के अंदर देखेंगे तो काफी अच्छे स्कोर है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के पावर हाउस की। बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, लेकिन चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलेगा और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वहीं पर फोन के कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो यहाँ पर आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, और ये फोन भी आता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 पर, और बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 13 भी देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी फोन अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही 5G बैंड का सपोर्ट मिलता है। बात कर ले प्राइसिंग की, 4 और 64 के लिए इस समय आपको देने होंगे सिर्फ और सिर्फ 13,499 रुपए। तो गाइस अब बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ, और ये स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, यहाँ पर इन्फिनिक्स का Note 12 5G। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन के बहुत कमाल के दिए गए हैं। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, 700 नीट्स तक की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर आपको अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं तीन कैमरा, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और एक QHD सेंसर आपको मिल जाता है। सेल्फी के लिए आपको दिया गया है 16 मेगापिक्सल का एक अच्छा खासा सेल्फी शूटर। सो देखा जाए तो कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है और डे लाइट पे फोटोज भी काफी अच्छी निकल कर आती हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें सो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं गाइस। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस मीडियाटेक का Dimensity 810 का चिपसेट, और ये चिपसेट इस बजट के अंदर आने वाले वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट में से है, जहां पर आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है, आप यहां पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। अंततु की बात करें गाइस तो ये स्मार्टफोन लगभग 3.5 लाख के आसपास अंततु पर स्कोर भी कर जाता है। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहां पर दिया गया है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहां पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें, बैक साइड में आपको यहां पर 5000mAh की बैटरी मिलती है, 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर दिया गया चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। सो बैटरी मॉडल भी आपको यहाँ पर अच्छा दिया गया है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और गाइस ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, हालांकि थोड़े मोटे ब्लॉटवर्स होते हैं बट ओवरऑल सॉफ्टवेयर से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। अच्छी बात यह है कि स्मार्टफोन भी अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो देखा जाए तो ट्रू 5G फोन है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6GB रैम प्लस 3GB की वर्चुअल रैम और 64GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है, अभी देने होंगे लगभग 14,000 रुपये। हमारा अगला फोन इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, और ये फोन है पोको का M4 Pro 5G। आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन दोस्तों डिजाइन काफी यूनिक है और बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल लगी हुई है, 550 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिस्प्ले यहाँ पर बहुत अच्छी है। कैमरा की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर 50 और 8 मेगापिक्सल के दो कैमरास मिलेंगे, साथ ही में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर मिलता है। इस फोन के कैमरास काफी अच्छे हैं, आपको आउटपुट अच्छे मिल जाते हैं। वीडियो की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है मीडियाटेक का Dimensity 810 का चिपसेट, और दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग 3.5 लाख के आसपास अंततु स्कोर कर जाता है। साथ ही में LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी लगा हुआ है।
सो परफॉर्मेंस आपको बजट के अंदर बहुत अच्छी देता है, उसमें आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 33 W की चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट लगी हुई है, तो बैटरी भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। साथ ही में अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स और हाइब्रिड स्लॉट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। वैसे ये फोन थोड़ा सा आउटडेटेड है, यानी कि एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर लेटेस्ट OS का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। और हाँ दोस्तों, ये भी फोन आपको अप टू 7 5G बैंड के साथ में मिल जाएगा। सो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। अभी ये फोन आपको मिल रहा है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में 12,999 रुपए। तो चलिए बढ़ते लिस्ट के फोन की तरफ। और दोस्तों, ये स्मार्टफोन यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F23। ये फोन हालांकि आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर काफी अच्छे हैं। साथ ही अगर हम फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली TFT LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, 500 नीट्स की ब्राइटनेस दी गई है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टर्न स्लैपिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको थोड़ी सी ठीक ठाक मिलेगी और साथ ही आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच भी मिलता है। रही बात फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप यहाँ पर ठीक है और आउटपुट भी काफी अच्छे निकल कर आते हैं। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है अप टू 30 FPS। सो फोन का कैमरा परफॉर्मेंस यहाँ पर काफी अच्छा है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 8 nm बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G का चिपसेट, जो कि थोड़ा सा पुराना चिपसेट है, लेकिन अभी भी आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। अंतुतु की बात करें तो ये स्मार्टफोन लगभग 3 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि परफॉर्मेंस तो आपको अच्छी देगा ही, साथ ही साथ आप यहाँ पर अच्छी गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो देखा जाए तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, और ये फोन 25 W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, पर आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, आपको एडेप्टर को अलग से परचेस करना होगा। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, सो बैटरी मॉडल भी यहाँ पर अच्छा है। रही बात यहाँ पर स्मार्टफोन के अदर फीचर्स की, तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स और ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन भी मिलेगा। और दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, साथ ही एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको यहाँ पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये फोन भी अप टू 12 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो अगर आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आप अभी देने होंगे लगभग 14,000 रुपए। वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पर एक ऑलराउंडर फोन से। और दोस्तों, ये फोन यहाँ पर पोको का X4 Pro 5G। ये फोन पूरी तरह से आपको ग्लास बिल्ड पर मिलता है, फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया। वैसे डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, 1200 नीट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी के अंदर बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया है। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको मिलता है 6 nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, और दोस्तों यहाँ पर भी आपको लिक्विड कूलिंग चैम्बर देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस आपको काफी कमाल की निकाल कर देता है। ये स्मार्टफोन भी अंतुतु पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, साथ ही साथ LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो इस बजट के अंदर आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं आती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है और 67 W की हाइपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है और चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो दोस्तों, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर और हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलेगा। वैसे दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत ही जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। सो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन एक ऑलराउंडर फोन है, अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। 6 और 64 के लिए आपको देने होंगे नॉर्मली 16,000 रुपए, लेकिन दोस्तों SBI के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर आपको यहाँ पर 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि ये फोन आपको इफेक्टिवली 14,499 रुपए की प्राइस पर मिल जाएगा। सो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आपको कौन से फोन की तरफ देखना चाहिए। गाइस, अगर आप यहाँ पर एक नॉन चाइनीज और एक अच्छा 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ पर सैमसंग के गैलेक्सी F23 5G को कंसिडर कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको अच्छी और तगड़ी परफॉर्मेंस चाहिए और अच्छे खासे ऑलराउंडर स्मार्टफोन परचेस करने हैं, सो आप यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 12 5G और साथ ही साथ पोको का X4 Pro भी चेकआउट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और आपको 5G स्मार्टफोन लेना है और अच्छी स्पेसिफिकेशन भी चाहिए, तो आप यहाँ पर iQOO के Z6 Lite 5G और साथ ही साथ Poco के M4 Pro 5G को कंसिडर कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जितने भी स्मार्टफोन्स के बारे में आज हमने बात की है, सभी के लिंक्स आपको आज की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो भी पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।